नमस्कार, ऐसे में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आज आर आर राजा जी, जिन्होंने इतिहास के, बहुजन समाज के इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और मैं उनसे जानना चाहूँगा। वैसे तो इस देश के अंदर से बहुजन समाज के लोगों का इतिहास को बहुत अच्छे से खत्म कर दिया जा रहा है, लेकिन उनमें से एक महान थे हमारे सावित्रीबाई फूले। कौन थे सावित्रीबाई फूले और उनके इतिहास के बारे में आप राजा जी हमें बताएँ। सावित्रीबाई फूले माता सावित्रीबाई फूले के नाम से जैसे भी जानते हैं। उस समय की बात है, जब 14 साल की थी और 14 साल के पहले साहब के साथ जब उनकी शादी हुई थी, उससे पहले क्रिश्चियनिटी हमारे देश में आ गई थी और ईसाई धर्म वाले ग्रेट मानते हैं प्रभु के नाम की, यीशु प्रभु के नाम की। तो वो गुजरात क्या लिखा हुआ है फूले, तो क्योंकि उसमें लड़कियों को पढ़ने का मना ही था पूरी तरह से, तो उनको थी शादी हो गई। शादी होने के बाद जब ज्योतिराव फूले के साथ उनका यह पहला संपर्क हुआ, तो उन्होंने अपने शादी के बाद में जो पहला संपर्क हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसको मेरे को पढ़ के सुना दिया इसमें क्या लिखा है। और मैं कई सालों से पहले इसमें फूले साहब ने क्या किया, वो पेपर उनसे लिया और एक साइड में रख दिया। ऐसे एक हफ्ते बाद पढ़े तो इसमें ज़्यादा आपको आनंद आएगा, सत्य कि मैं आपको ऐसा तो फील तो हुआ, लेकिन ये बड़ा स्वाभाविक हुआ है कि उनको एक हफ्ते के बाद उनको पढ़ना और उनको इतना अच्छा लगा, और वो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने भी क्या कहते हैं उनके साथ जड़ निश्चय कर लिया कि मैं अब समाज में पढ़ाने का काम करूँगी। तो उन्होंने इस तरह से क्या कहते हैं उनके साथ सामने के उन्होंने कहा था विद्या गतना रही, गतना रही तो विद्या ने डाई। तो इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने उनका साथ पूरा साथ दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये भी कह दिया कि हमने अपने बच्चे पैदा नहीं करने और हमने शिक्षा का बिगुल बजाना है। और उस समय 1848 में जब स्कूल खोलने की बात आई, तो ब्राह्मणवादियों ने क्या कहते हैं स्कूल देने से मना कर दिया, और उससे पहले तो बहुत सारी घटनाएं उनके साथ घटी, और ऐसी घटनाएं घटी क्या कहते हैं फूले साहब को घर से निकलवा दिया गया और घर छोड़ करके बाहर कहीं गए थे, उनको मरवाने के लिए भी लोगों को हायर किया गया और उनको कुछ सोने की सर्दियाँ दी गई, उनको मारने गए। सारी घटनाएं उनके जीवन में घटती रहीं। उस समय तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया और वो भी उनके साथ था उस समय, तो ये घटना को ऐसी तरह से घटती रही उनके जीवन में बहुत रहा है। तो वो स्कूल खोलने का जब नौबत आ गई, सब कुछ सब तैयार हो गया, तो फातिमा बेग नाम की मुस्लिम महिला थी, उसने अपना स्कूल के लिए जगह दी और वहाँ पहला स्कूल उनका खुला। तो इस तरह से उन्होंने सावित्रीबाई फूले का ये इतिहास है, और हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका है। जबकि क्या कहते हैं हम सावित्रीबाई फूले का नाम की वजह है हम सरस्वती का नाम लेते हैं, जबकि सरस्वती के बारे में अगर पूछा जाए वो कहाँ पढ़ी थी, कैसे पढ़ी, किसी के पास नहीं है, उसने यह सावित्रीबाई फूले का ये इतिहास है जैसे मैंने शॉर्ट में आपके सामने रखा है। जैसे आप थे हमारे से आर आर राजा जी, जिन्होंने बताया कि अगर महिलाओं को जब इस देश के अंदर महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उस समय में माता सावित्रीबाई फूले ने क्रांतिकारी काम किया और महिलाओं के लिए एक ऐसी जोत जलाई कि सारी महिलाओं को एक पेड़ के नीचे पढ़ा दिया, जबकि उनको स्कूल नहीं मिला, उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन छोड़ा नहीं और महिलाओं को घर से निकलने के लिए और उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित करती रही, और लगातार पढ़ाने का अगर श्रेय जाता है इस भारत देश के अंदर तो माता सावित्रीबाई फूले को जाता है।